नमस्कार दोस्तों, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है और काफ़ी ऐसे विद्यार्थी परेशान हैं कि सर जी अभी तक हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो मैं क्या करूं, लेकिन हमको बोर्ड परीक्षा में 300 नंबर भी चाहिए। तो देखो, अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में आप फर्स्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट बहुत मायने रहता है, अगर फर्स्ट कर जाओगे तो आपको 10,000 का इनाम भी मिलेगा बोर्ड की तरफ से, और 400 भी नंबर लाते हैं तब भी आपको 10,000 ही रुपया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 300 लाओगे तो आपका 10,000 मिलेगा और 400 लाओगे तो 20,000 मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो हम आपको ये जबरदस्त मतलब कि तरीका आपको बता रहे हैं जो आप दो महीना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। तो ये फाइनल आपके परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ हम आपको जरूर देंगे जिससे आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, और आप कर देंगे और करके दिखा भी देंगे। तो यहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आपके पास समय क्या है, आपके पास एक समय है दिसंबर का महीना और एक समय आपका जनवरी का महीना, और फरवरी में तो आपका एग्जाम होगा। तो अगर 12th वाले हैं तो दिसंबर और जनवरी मात्र दो ही महीना टाइम है, क्योंकि फरवरी में एक नहीं तो दोस्तों उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर 10th वाले हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का हाफ महीना, यानी कि 10 से 15 दिन फरवरी का, ठीक है ना। तो 10 से 15 दिन मतलब कि उनके पास 70 से 75 दिन बाकी है। तो ये 10th और 12th के दोनों विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। तो हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, उसको फॉलो करना, सब लोग फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत खेले हो, कूदे हो, क्रिकेट खेले हो, बहुत मतलब कि उसमें समय आपने बिता दिया, लेकिन अब आपको अपने करियर को और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए आपको बनाना है, मतलब कि पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, अंतिम मौका है बाबू पड़ोसन को जलाने के लिए। जब आप मतलब कि परीक्षा के अंतिम समय पाए हुए हैं और पड़ोसन वाला आपको देखकर क्या कहता होगा कि तुम लोगों को यही काम है, दिन भर क्रिकेट खेलना, दिन भर बदमाशी करना, हमारा लड़का, हमारी लड़की कितनी अच्छी से पढ़ती है, कितना अच्छा से पढ़ता है, ये ना एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा। लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं आपको जबरदस्त बता रहा हूँ, एकदम 100% में फर्स्ट डिविजन करा दूंगा, ठीक है ना। बस मतलब कि ध्यान से एक एक मतलब पॉइंट को समझना। यहाँ पर देखो, आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट है, फर्स्ट नंबर में पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपके पास तो समय कम है, तो आप एक अपना सेट गोल कर लो, मतलब कि अपना एक गोल सेट कर लो, सेट योर गोल, यानी कि 80%, 90%, 95%, 60%। तो दो महीना में 95%, 90% मुमकिन नहीं है, उसके लिए मतलब कि पूरा जी जान लगा देना है, पूरी जान को मतलब कि जोखिम में डाल देना है, उसके लिए वैसे करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाला टारगेट 80% का और ये 60% का एकदम चुटकियों में कर सकते हैं, इसके लिए कम, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे तो ये आ जाएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को आप दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है कि आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। आपको पता है कि परीक्षा का समय चल रहा है, कम समय है, तो आपको पड़ोसन वाला तो बहुत तंग करेगा कि तू फेल होगा, तू ये करेगा, वो करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो मतलब कि दबाव आपके ऊपर आएगा, लेकिन उनके ऊपर मतलब कि उस दबाव को आपको नहीं अपने ऊपर आने देना है, ठीक है ना। ऐसा आप टाइम टेबल दो महीना के लिए बना लो जो आप रोज फॉलो कर सको, जैसे कि रोज क्रिकेट खेल लेते हो, टाइम से जाते हो और क्रिकेट खेल लेते हो, ठीक है ना, और जैसे मतलब जो भी खेल कूद खेल लेते हो आप वो काम कर लो, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जबरदस्त शायरी है, ये शायरी आप लोग पढ़िएगा और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और इसके बाद ना आप लोग भी एगो कमेंट बॉक्स में मतलब ना स्टूडेंट स्टडी से संबंधित एगो शायरी जरूर लिखिएगा, देखते हैं कितने ऐसे लड़के हैं जो शायरी लिखते हैं और किनका शायरी अच्छा होता है, जिनका शायरी अच्छा होगा कमेंट में अच्छा अच्छा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मैंने एक आप लोग के लिए ये शायरी लेकर आया कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है, ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो, एकदम 100% आपको सफलता मिलेगा। ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ये टाइम टेबल, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त है। इसको और आगे देखिए, ठीक है ना, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं आगे और बता सकूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग मतलब कि शुरू से नहीं पढ़े हो,
आपका 2 महीने का टाइम टेबल है, तो आप एक से मतलब कि एक दिन टाइम लीजिए, किस में आप एक दिन 4 से मतलब कि 2 से मतलब कि 1.5 घंटा आप टाइम लीजिए, किस में टाइम लीजिएगा, ये जरूरी है, ये जानकारी जरूरी है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट नंबर जानकारी लीजिए 1 घंटे में सिलेबस की जानकारी, आपका जितना भी सब्जेक्ट है, आपका जो आपका सब्जेक्ट है वही, ठीक है ना, अन्य सब्जेक्ट को नहीं, जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, किस चैप्टर से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में जानकारी ले पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो कमेंट करके करना, कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बता दूंगा कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर आपको जानना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मेन आपका यही है, एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे कि बिहार बोर्ड में एग्जाम पैटर्न क्या है, 80 को ऑब्जेक्टिव साइंस में पूछेगा तो 40 का ही उत्तर देना है, बहुत जबरदस्त ये पैटर्न है, बहुत मजा आता है। 100 ऑब्जेक्टिव मैथ में देगा तो 50 को बनाना है, इतना तो छूट हमको लगता है कि किसी भी चीज में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, नन हिंदी होगा, संस्कृत होगा, उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, फारसी होगा, मैथिली होगा, और भी मतलब जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का वो होगा, ठीक है ना। तो आपका जो इसमें का सब्जेक्ट है वो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो विषय आपका कमजोर है, जैसे कि काफी लड़के कहते हैं सर मैथ कमजोर है, तो मैथ कमजोर है ना, तो आप ना मैथ वाले उस चैप्टर को पकड़ो जहां से ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं। जैसे सपोज डेट मैं बात करूं, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति है, यानी कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो त्रिकोणमिति पकड़ लो। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वहां से 6 से 7 5 ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 से 14 नंबर का आ जाता है, तो द्विघात समीकरण पकड़ लो। इन सभी चैप्टर को पकड़ो और उसका बेसिक पूरा निचोड़ डालो, बेसिक निचोड़ डालो, तो यही आपका 4 से 5 चैप्टर ना पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सही करा देगा एग्जाम में, और सब्जेक्टिव भी बना दोगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव आपका 2 नंबर वाला 3 से 4 को पूछता है, और आपका द्विघात समीकरण से पूछता है 4 से 5 को, 6 को पूछ देता है कभी कभी, तो यही आपका कितना नंबर हो गया, आपका यहीं से आपका 50 नंबर पार हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 2 ही चैप्टर मिलकर, बाकी भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो मैं आपको बता दूंगा। और एक और बात मैं आपको बात बता दूं कि आप लोग एक बीबीडी मतलब कि जो गैस होता है उसको जरूर खरीद लेना प्रैक्टिस के लिए, याद करने के लिए, उसमें सारा एनसीईआरटी का प्रश्न मिल जाएगा। बस इतना करो आप 400 नंबर तक जा सकते हो, एकदम 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 400 नंबर तक जा सकते हो, बस इतना आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना। इतना करोगे तो आप 400 नंबर तक जा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को डेली क्लास करना है तो डेली क्लास मेरा 5:20 से मैं शाम में स्टार्ट करता हूँ, 2 क्लास लेता हूँ, कभी कभी 3 क्लास लेता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि 5:20 से सर का क्लास होता है, मैं क्लास कर सकूँ, मैं सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन याद करा दूंगा, ठीक है ना। बस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन करते जाओ, सब्जेक्टिव करते जाओ, 400 नंबर काहे नहीं आएगा जी, काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग अगर लिखावट में देखा हूँ राइटिंग अच्छा है तो बिल्कुल आपका नंबर आएगा अच्छा, ठीक है ना। तो आप लोग ये फॉलो जरूर करना। अभी आप लोग ना इधर उधर का बदमाशी और इधर उधर का गोल मोल ये सब छोड़ो और पूरा अपना फोकस करो इस 4 और 00 को पाने में, ठीक है ना, 4 00 को पाने में। यहाँ तक आपका 100% संभव है, 100% संभव है 4 00 को प्राप्त करना अभी से, एकदम 100% मैंने लिखी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और हमारे यहाँ का लड़का लाया है। मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मेरा खुद का छोटा जो भाई था ना, वो मतलब कि पहले लाया था, उसके पास हमको लगता है कि 45 दिन का ही टाइम था, पता नहीं कैसे तैयारी किया था, जबरदस्त तैयारी किया था मतलब, हाँ, लेकिन ये बात है कि वो पूरा आपका अपना फोकस उसी में डाला था, अन्य कोई काम वम नहीं कर रहा था, पूरा पढ़ाई ही कर रहा था, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहा था, नोट्स बना रहा था, और किसी भी चीज़ को रट नहीं रहा था, बल्कि रटने के बजाय उस क्वेश्चन को देख देख कर लिख रहा था, देख देखने लिखने से समझ में भी आ जाता है, ठीक है ना, और क्वेश्चन हमको दिमाग में रहता है तो हम लिख भी देते हैं और आपका राइटिंग भी सुधर जाता है, वो ये काम जरूर किया था। लेकिन दूसरा बात यह भी है कि उसका राइटिंग बहुत ख़राब था, राइटिंग बहुत ख़राब होने के बाद भी 400 नंबर आए, तो सोचो कि जिसका राइटिंग बेहतर होगा वो तो 450 प्लस में जा सकता है, छोटू बोलो जा सकता है कि नहीं। और जो बंदा 450 में जा सकता है वो तो टॉपर लिस्ट में आ सकता है। तो ये आपके लिए एकदम 100% रास्ता खुला है। वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना एक शायरी ज़रूर लिखिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतना टाइम बिताने के लिए। आपका दिन शुभ हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाएँ। थैंक यू।